हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गरम गरम चाय के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हैप्पी मनु फैमिली में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी मॉर्निंग हो रही है और यहाँ पे मैं मी टाइम मेरा एंजॉय कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ। मंजीत और मायरा अभी तक उठे नहीं हैं, तो तब तक मैं चाय पी के ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं मटर पराठा बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। मटर थे ही फ्रोज़न, तो सोचा चलो अभी वेदर भी अच्छा है तो गरम गरम पराठे खाने का ही मन करता है ब्रेकफास्ट में। मोस्टली या रोल या फिर ऑमलेट ब्रेड ऐसे ही कुछ हो बन जाता है, रोटी सब्जी खाने का तो बिल्कुल मन करता नहीं है। तो चलो अभी स्टार्ट करते मटर पराठा बनाना। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कटोरी मटर जो फ्रोज़न है, और इसमें मैं डाल दूंगी अभी वार्म वाटर। तो इससे क्या होगा कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे मटर जो लिए हुए हैं। तो इसको 4 से 5 मिनट तक हम नमक डाल के भिगो के रख देंगे। तो और उसी के साथ हम आटे की आटा अभी मैं गूंथ लेती हूँ अभी, क्योंकि जब तक बाकी की प्रोसेस हो जाएंगी तब तक आटा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है और इसमें मैं नमक और अजवाइन क्रश करके डाल दूँगी। और ये है थोड़ा सा बेसन, यहाँ पे बेसन भी डाला, मैं भूल गई थी बताना आपको। तो ये 2 स्पून छोटे से जो होते हैं उससे 2 स्पून बेसन डाला है, और नमक और ये अजवाइन, ये क्रश करके डाल दूँगी मैं इसमें। क्रश करके डालने से क्या होता है, स्वाद अच्छा आता है। तो अभी हम आटा गूँथ लेते हैं अच्छे से इसको मिला के। आटा सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ना आपके पराठे फटते नहीं, उसमें से जो स्टफ है वो बाहर नहीं निकलता। इसीलिए कभी भी आटा सबसे पहले लगा के रखना चाहिए, तब तक वो सेट हो जाता है, क्योंकि बाकी भी प्रोसेस हम लोगों को करनी होती है। तो आटा अभी गूंथ के रेडी हो गया है, अब चलते हैं हम मटर का जो स्टफिंग है उसकी तैयारी करने की ओर। तो देखिए सोख हो के अभी सॉफ्ट दिख रहे हैं मटर हमें, अब इसको निकाल लेंगे और जो चॉपर है उसमें डाल देते हैं और ब्लेंड कर लेते हैं। इस चॉपर में डालने की वजह एक ही थी कि इससे दरदरा पीसा जाता है मटर जो है, अगर हम ब्लेंडर में ब्लेंड करते तो वो पूरा पीस जाता है, तो वो मटर का जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आता। इसीलिए मैंने चॉपर लिया है, इसमें क्या होगा ना कि दरदरा हो जाएगा ये। और इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, सारे मसाले मैं एक साथ ही डालूंगी इसमें ताकि पीस के एक साथ रेडी हो जाए। नमक और ये है मिर्च पाउडर, आपके अकॉर्डिंग डालिए आप सारे मसाले। हल्दी पाउडर, हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली थी, और ये बॉन्डिंग के लिए बेसन डाल रही हूँ मैं 1 स्पून। तो अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो वो भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने डाला नहीं। अभी हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। आटा भी फुल के रेडी हो गया है हमारा। सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। अब इसकी हम लोइया तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है, आपको दिख रहा होगा कि दरदर आए, मतलब आधा आधा हो गया है जो मटर है, पूरा सॉफ्ट पीस के नहीं हुआ है। तो यही इसका ही पराठा अच्छा लगता है। मिक्सी में भी अगर आप चलाते हैं तो उसको 1 या 2 बार ही चलाना है। अभी हम मेरी जितना मैंने आटा लिया था उसकी 7 लोइयां बन के रेडी हो गई है। तो एक हम उठाते हैं और इसको ऐसे गोल गोल करके नीचे के साइड में थोड़ी जगह रखनी है ताकि हम स्टफिंग उसमें अच्छे से भर सकें, तो जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आए। तो ऐसा गोल हमें बनाना है और उसमें मटर का स्टफ भरना है। तो देखिए मैं किस तरह से इसमें स्टफिंग करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो बिल्कुल भी आपका जो मटर का स्टफिंग है, कोई भी पराठे का स्टफिंग है, वो नहीं निकलेगा। तो इसको बिल्कुल घुमा घुमा के उसको अंदर की ओर हमें करना है, जो मटर हमने भरा है और आटा है वो ऊपर आना चाहिए। देखिए बिल्कुल ऐसे गोल गोल घुमाना है
अगर हाथ को चिपकता है तो आपको थोड़ा सा ड्राई आटा लिया तो भी चलेगा। ऐसे गोल गोल घुमा के हमें इसका जो मुंह है वो बंद करना है, और अगर खुलता है तो उंगलियों से भी दबाना है थोड़ा। देखिए पूरी तरह से ये बंद हो गए हैं। ऐसे ही हमें पूरी लोइयां रेडी करनी है हमारी। पराठा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको दूसरी साइड से सेक लेंगे। मैंने बाकी चीज़ें स्किप किए बेलने की, क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड सेक की, इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया। आप बटर भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। तो घी लगा के हमें अच्छे से सेकना है दोनों साइड से। तो यहाँ पे हमारा पराठा बिल्कुल बन के रेडी है। देखिए कितना अच्छे से दिख रहा है। आप चाय या सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होने के बाद, दिन भर के सारे काम होने के बाद अचानक से ये प्लान बन गया था कि हम पुणे के आसपास के घूमने जाते हैं। तो आपको पता ही होगा बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास घूमने के लिए। तो यहाँ पे इवनिंग हो रही है, मैंने दोपहर का कोई भी व्लॉग वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने डायरेक्ट अभी इवनिंग से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं कसारसाई। कसारसाई पुणे के बिल्कुल पास में ही है, हिंजेवाड़ी के बाद आता है। तो हिंजेवाड़ी से 10 किलोमीटर कसारसाई डैम है, बहुत ही ब्यूटीफुल डैम है। ज़्यादा बड़ा नहीं है उसका, मतलब एरिया जो है वो छोटा ही है, लेकिन अगर आपको जल्द से जल्द जाके वापस आना है, अगर घर पे बोर हो रहे तो आप कभी भी जाके आ सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, अगर आप लोगों को कभी जाना होगा तो मैं आपको डिटेल्स आगे बता देती हूँ। हम आगे जा रहे हैं डैम की तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे कि कार पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कार पार्किंग के लिए, तो टू व्हीलर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जाने के लिए रास्ता देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। वेदर भी काफ़ी अच्छा था उस टाइम, और बहुत अच्छा, मतलब एक जगह है जो जल्द से जल्द जाके वापस आ सकते हैं हम। अगर कहीं घूमने जाने का मन है तो कसारसाई डैम जो है एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एक दो छोटे शॉप है ऐसे जहाँ पे आपको स्नैक और वाटर बॉटल मिल जाएगी। और राइट साइड में, इसके एकदम अपोजिट साइड में, एक छोटा रेस्टोरेंट है। वहाँ पे खाना और छोटा सा पब टाइप है, मतलब म्यूज़िक वगैरह चल रहा था वहाँ पे, और खाने का भी अच्छा ऑप्शन है वहाँ। तो ऐसे नहीं कि आने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, खाने का भी ऑप्शन है। तो चलिए हम जा रहे हैं अभी डैम की तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी धूप नहीं है, बारिश भी नहीं है, कुछ नहीं, एकदम जो पॉजिटिव वेदर होता है वैसा वेदर है। और यहाँ से मैं जो शूट ले रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे आसपास सारी पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच में ये डैम है। तो बहुत ही खूबसूरत सा डैम है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मैंने पहले भी बताया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैं शूट ले रही हूँ आगे तक जो पहाड़ी तक, तो आपको इसका विड्थ का अंदाज़ा आ रहा होगा कि इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है। और बीचों बीच जो है बोटें चल रही है, लोग बैठे हैं उसमें, तो आप अपनी बोट इसमें हायर कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर पर्सन जो है वो बोट का लगता है, आप जितने लोग हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि इन लोगों के पास भी बड़ी बोट है, उसमें आप पैसे देके खुद बैठ सकते हैं। या सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बोट हायर करके खुद ही पैडलिंग कर सकते हैं। शायद हमें टिकट निकालना पड़ेगा, शायद नहीं, मतलब निकालना ही पड़ेगा, और फिर हम करेंगे बोटिंग।
यहाँ पे स्विमिंग वगैरह अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मेरा भाई और उसका दोस्त आके मुझे चिढ़ा रहे हैं, ब्लॉग बना रहे थे तो ये लोग भी आके हाय भाई कर रहे हैं यहाँ पे। और हम चलते हैं अभी कौन सी बोट हायर करनी है। वो तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ये बड़ी बोट है, लेकिन हमने जो है पैडल वाली हायर की थी तो उसमें 100 रुपीज़ पर पर्सन 20 मिनट्स के लिए हमने लिया था। मज़ा आ गया, लेकिन 20 मिनट का कितना लिया? 500। 500 रुपीज़ मतलब 100 पर पर्सन। अच्छा, 100 रुपीज़ पर पर्सन लिया है। 20 मिनट के लिए ठीक ठाक ही है, मतलब और थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए था इसका। इतना तो शायद कश्मीर में भी।